गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर थर्ड, दैट इज द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटिव सिस्टम्स। फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। आप डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या समझते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स भाग लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये सिस्टम कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी एंड फॉर मेकिंग यूज ऑफ फूड टू कीप द बॉडी हेल्दी। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, द फूड वी ईट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इज ब्रोकन इन टू सिंपल मोलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आप खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसमें सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्स होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको खाते हैं उसके बाद क्या होता है, इसको सिंपल मोलिक्यूल्स में इसको तोड़ना, उसे जब आप च्यू करते हैं चबाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। उसके बाद आपके जो माउथ में सलाइवा सेक्रीट होता है सेलिवरी ग्लैंड से, तो वो उसको स्मूथ बना देता है, जिसकी वजह से वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप में अंदर इनर साइड में चला जाता है और ये सिस्टम शुरू होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन्स कंप्राइजेस द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स। इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट एलिमेंट्री कैनाल, इसमें क्या होता है, द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है इसके बारे में है, द एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब, लंबा होता है। क्वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जो सर्कल सर्कल में गोल गोल में घुमा होता है, ऐसे एक दूसरे मुड़ा होता है, वो होता है क्वाइल्ड ट्यूब। ओपन एट बोथ एंड्स बिगनिंग विद माउथ, मुंह की तरफ से खुला होता है, एंड एंडिंग विद एनस, एनस के थ्रू ओपन होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स, ये किन किन पार्ट्स में होते हैं, फर्स्ट इज द माउथ एंड ओरल कैविटी, एसोफेगस और फूड पाइप, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये सारे पार्ट्स होते हैं जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होते हैं और डाइजेशन को